हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोस्तों, आज हमारे घर में हो रही है एक छोटी सी नहीं, मतलब पूजा हो रही है, उद्यापन कर रही है मम्मी है ना। पहले क्या है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा विस्तार से। हमारी मम्मी ना पहले गुरुवार की व्रत रखती थी, काफ़ी टाइम से रखती आ रही थी। ये मान लीजिए कि शादी से पहले के ही जो फास्ट रखती आ रही थी मम्मी को, बहुत साल हो गए होंगे शायद। मम्मी आ गई 30 साल। ओह माय गॉड, मतलब मम्मी को गुरुवार से व्रत करते करते 30 साल हो गए थे, और जिसका उद्यापन आज वो करा रही हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर व्रत बंद कर देते तो उसको अच्छा, अभी भी वो व्रत बंद नहीं करती। वो कारण ये रहा कि हमारे दादा दादी शांत हो गए थे ना, इसलिए उनको है ना ये बंद करना पड़ा। तो कहते हैं ना, जब व्रत अपन बंद करते हैं तो उसका उद्यापन ज़रूर करवाते हैं। तो आज वही चीज़ हम लोग करवा रहे हैं। हमारे घर में आए हुए हैं महाराज जी, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारी क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं। अभी भी बंद नहीं करते दोस्तों, हमारे शांत नहीं होते ना, तो अभी भी बंद नहीं होते। उन्होंने ग्यारस लिए हैं, हमने अपनी सास ससुर की वजह से ग्यारस करने लगे हैं, और गुरु व्रत का उद्यापन करने जा रहे हैं आज। फ्रेंड्स, मैं आपको खाना बनाते हुए नहीं दिखा पाई कि आज हम लोगों ने क्या क्या खाना बनाया है, क्योंकि हम लोग सुबह से साफ सफाई में बहुत बिजी थे। ये कढ़ाई रखी हुई है, यहाँ पे सब कुछ बन चुका है। जैसा कि मैं स्टार्ट करती हूँ, देखिए हमने ये कुरकुरे और ये तले हुए हैं, और इसमें क्या है, इसमें पूड़ियाँ बना के रख दी है हमने। कहते हैं ना, कन्या भोज कराते हैं, तो वही कन्याएं आएंगी हमारे घर पे खाना खाने। और इसमें हमने बनाई है खीर, मीठा बहुत शुभ होता है शुभ काम में, तो ये हमने खीर बनाई। ये पूड़ियाँ हैं इसमें, और इसमें हमने बनाई है सब्जी। लुक इट गाइस, ये सब मम्मी और मैंने ही काम किया है सारा, क्योंकि दीदी तो इंदौर है, इंदौर चली गई है, वो 3-4 दिन बाद आएंगी, तो हम दोनों अकेले ही हैं। तो ये सब्जी हो गई, खीर हो गई, पूड़ी हो गई, और भी कुछ चीज़ें हैं, पता नहीं मम्मी ने कहाँ रख दी हैं, मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो अभी आई हूँ किचन में बहुत देर बाद। एक तो गाइस, हमारे घर की लाइट अलग ख़राब हो गई। देखिए अभी मम्मी तैयारियाँ कर रही हैं पूजा की। नहीं कोई दिक्कत नहीं, शांति लाइट में अच्छा लगता है पूजा करना। ये देखिए तैयारी चल गई, अभी भगवान लाना यहाँ बाकी है, यहाँ बिछा दिया। अच्छा यहाँ पे, हाँ देखिए दोस्तों, गुरुवार के व्रत में सब कुछ पीला पीला है, फल भी पीले, कपड़े भी पीले। पूजा स्टार्ट होती है हमारी। ये महाराज बैठे हुए हैं, ये सिर्फ मम्मी बैठी हैं। देखिए गाइस, पूरी विधि देखते हैं क्या क्या होता है पूजा में। सुनते ही बैल खड़े हो गए, और किसान की पीठ का दर्द बंद हो गया, और राजा अपनी बहन के घर गया, और बहन ने और उसकी बहुत मेहमानी की। दूसरे दिन राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि मैं हूँ तो देखूं, और ऐसा कह करके देखने चली गई। उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। मालूम हुआ कि 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। पति देवा कितनी जोर से बारिश हो रही है, और हमारे घर में बड़े कच्चे से कमी बरसात। ये देखिए, अरे निखिल भी, ये देखिए गाइस, ये हमारे ऊपर जो आपको दिख रही है ना पट्टी, इन पे ये इस तिरपाल को रखेंगे ताकि हमें पानी की सेफ्टी हो। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा।
देखिए गाइस अब पूजा हो चुकी है हमारी, सिर्फ हवन चल रहा है अभी। श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः स्वाहा। ये हमारी पूजा हो चुकी संपन्न। देखिए फ्रेंड्स अब हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी आती है कन्याओं को खाना खिलाने की। तो अभी ये लोग आ गई हैं और हर्षिता नैनन मीसा का हम लोग वेट कर रहे हैं, उनको फ़ोन किया था वो लोग निकल चुकी हैं, तो आने वाली ही होंगी। सात कन्याएं, चार आ चुके हैं, तीन का वेट चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग खाना खा रहे हैं, वो भी बज रहे हैं ढाई, सुबह से भूखे थे, पूजा के चक्कर में सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अब ढाई बजे देखो ये दूसरा टाइम हो जाता है वैसे खाना खाने का हमारा, लेकिन फर्स्ट टाइम खा रहे हैं ना निखिल। देखिए फ्रेंड्स अब हर्षिता और नैना निमिषा आ चुके हैं, इन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया, पर ठीक है क्या कोई भी कोई बात नहीं, ये लोग कहीं और भी खाना खाने गए थे, है ना हर्षिता? हाँ तो चलो हर्षिता नैना निमिषा खाना खाओ, अब हमारा फ्रेंड्स ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। बाय।